आज फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स हम लोग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड के अंदर एक टॉपिक कर रहे थे हम लोग। ये टॉपिक्स थे जो दो हमारे रह गए हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, दे स्पॉयलेज एंड प्रिवेंशन। ये एक टॉपिक है हमारा, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग फ्रूट एंड वेजिटेबल हैंडलिंग या उसके बारे में थोड़ा सा। फ्रूट एंड वेजिटेबल हमें पता है कि हमारे देश के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एग्रीकल्चर ह्यूमन हेल्थ के अंदर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन नेशनल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी इसकी एक अपनी अच्छी भागीदारी है। और अगर प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें, इंडिया है वो इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन वर्ल्ड। तो लेकिन हमारे साथ दिक्कत यही है कि हम लोग जितना भी हम लोग जो प्रोडक्शन हम लोग ग्रोथ करते हैं तो उसका बहुत एक हिस्सा है जो है हमारी निग्लिजेंसी से, मतलब हमारे इनप्रॉपर हैंडलिंग के कारण 25 से 30% जो है वो हम लोग क्या है उसको वेस्ट कर देते हैं, हमारे ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को जो हम ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो जाता है, कि बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हम लोग जितना ग्रोथ करते हैं अगर हम उसको प्रॉपर स्टोर करके रख लें, प्रॉपर उसकी हैंडलिंग करें, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि लॉसेस जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में बहुत ही एक बड़ा हिस्सा जो है किसी भी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वो लॉस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अंदर पोस्ट और हार्वेस्ट जो हम लोग हैंडलिंग की अगर बात करें, अपन हैंडलिंग की अगर बात, तो हैंडलिंग के अंदर हमारा जो है वो है जैसे फील्ड ऑपरेशंस हैं, फील्ड क्योरिंग, रोड ट्यूबर्स, फील्ड ऑपरेशंस के अंदर हमारे जो हैं, जैसे आप लोगों को अगर हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें, फील्ड ऑपरेशंस के अंदर क्या है कि हमें पता है कि हम लोगों ने ग्रेन्स के अंदर भी पढ़ा था कि फील्ड हीट जिसको हम बोलते हैं, फील्ड हीट को रिमूव करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को हम रखेंगे, जितनी ज़्यादा देर तक अगर हम उसको रख रहे हैं उतनी ही उसकी जो शेल्फ लाइफ है तेजी से काफ़ी स्पीडली उतनी ही जल्द रिड्यूस होती है, क्योंकि मॉइस्चर लॉस उसके अंदर हो रहा है। और उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन वो भी ग्रोथ अपने जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बायो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी काफ़ी हाई स्पीड पे चलती हैं, मतलब अपने आप को अपना एक्टिविटी रखती हैं। तो अगर हम लोग फील्ड के अंदर, मतलब खेतों खेत जो आप बोल रहे हैं जहाँ से आप इसको तोड़ रहे हैं, अगर वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम हैंडलिंग कर लें, उनको स्टोर कर लें, तो और अगर प्रॉपर तरीके से उसको पैक कर दें, तो उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि वहाँ पर प्रॉपर पैकिंग से उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का लॉसेस हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा हाँ, फील्ड ऑपरेशन के अंदर हम लोग अगर उसके अलावा जैसे कुछ एक पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स अगर हम लोगों को बात करें तो हम लोगों ने दे रखे हैं जो, तो जैसे प्री कूलिंग जो आप लोगों को बताया, प्री कूलिंग जो हम लोग फील्ड हीट की जो रिमूव करने की बात कर रहे हैं उसी की हम बात कर रहे हैं। तो प्री कूलिंग के अंदर नेचुरल कूलिंग आती है, एक एक फोर्स्ड एयर कूलिंग आती है, एक आर्टिफिशियल कूलिंग भी बोल देते हैं जिसके अंदर फोर्स्ड एयर कूलिंग है, हाइड्रो कूलिंग है। नेचुरल कूलिंग का मतलब है कि हम लोगों ने उसको पॉलिथीन शीट के ऊपर या सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर रख दिया और छाया के अंदर उसको रख दिया, जहाँ से हीट है वो मतलब उसकी रिमूव की जा सक रही है, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर काफ़ी टाइम लग सकता है। और इस ये हम लोग अगर बात करें कि अफेक्टिव के मामले में तो इतना ज़्यादा बढ़िया इसको अफेक्टिव नहीं माना जाता, और नेचुरल कूलिंग के सहारे अगर हम लोग फूड मटेरियल को रखते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या है कि एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं उसको ख़राब होने के लिए रखा जा रहा है, क्योंकि नेचुरल कूलिंग एक डिपेंड ऑन टेम्परेचर है, अगर मान लीजिए हो सकता है कि आपका अगर टाइम ठीक है तो हो सकता है कि कूलिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, लेकिन अगर अच्छा दूसरी बात है कि अगर एनवायरनमेंट ठंडा होगा तो वैसे भी हमें नेचुरल कूलिंग के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो
अगर वो बाहर एनवायरनमेंट गर्म है तो कूलिंग है वो स्लो होगी। जैसे इसमें एक देखते हैं कि प्री कूलिंग है, अगर प्री कूलिंग प्रमोट कूलिंग आफ्टर हार्वेस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मोस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल बिकॉज दे मे डिटोरेट एज मच एज कि 1 आवर ऑफ 1 आवर एट 32 डिग्री सेल्सियस एट दे डू इट 1 डे एट 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 वीक। मतलब क्या है, 1 घंटे के लिए अगर 32 डिग्री पे हम लोग किसी फूड मटेरियल को रख रहे हैं तो वो किसके बराबर है कि 1 दिन 10 डिग्री पे किसी चीज़ को रखना या 1 हफ्ते 0 डिग्री पे रखने के बराबर है। यानी अगर 0 डिग्री पे रख रहे हैं तो हम किसी चीज़ को 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं, उसी चीज़ को अगर 10 डिग्री पे रख रहे हैं तो 1 दिन के लिए रह सकते हैं, और उसको 32 डिग्री पे ले आते हैं तो वो हम लोग 1 घंटा तक ही उसको रख सकते हैं। उसके अलावा फोर्स्ड एयर कूलिंग है जहाँ पर फैंस वगैरह को यूज़ किया जाता है पानी के अंदर डिप करके रखना, जैसे जिसको हाइड्रो कूलिंग बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा फास्ट हम ये कह सकते हैं होती है नेचुरल कूलिंग से, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि कुछ एक जैसे फ्रूट्स हैं जैसे स्ट्रॉबेरी या ग्रेप्स हैं, इनके अंदर हम लोगों को पानी में डुबा के हम लोग इसको नहीं रख सकते इनको स्टो ठंडा करने के लिए। तो यहाँ के लिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एयर कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, एक्सेसिव एयर ब्लो करने के लिए हमें एक मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि लॉस है, लेकिन जितने जितने हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन लॉस से ये में बचाता है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं होते। हाइड्रोकूलिंग के अंदर है पानी का स्प्रे करना या वाटर के अंदर डिप करके रखना, उसको हाइड्रोकूलिंग बता देते हम लोग बोलते हैं, और जिससे इसके 2 बेनिफिट हो जाते हैं। एक तो हाइड्रोकूलिंग से टेम्परेचर लो हो जाता है, साथ ही साथ कुछ एक जो इम्प्योरिटी है जो सरफेस इम्प्योरिटी है उसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कुछ बेनिफिट भी हैं, और इसके इसके अंदर ये है कि वाटर है जो आपको क्लीन वाटर चाहिए कि क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए वाटर को, साफ वाटर है उसकी हमें रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग गंदा पानी यूज़ करेंगे तो उसके अंदर इम्प्योरिटी है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल पे ठंडे करने के साथ साथ इम्प्योरिटी उसके साथ ज़्यादा लग जाएगी जो हमारे लिए नुकसानदेह है। उसके बाद अगर हम प्री ट्रीटमेंट्स की बात करें तो वॉशिंग क्लीनिंग एंड ट्रिमिंग है। वॉशिंग का मतलब है उसको साफ करना, हमें पता ही है। क्लीनिंग का हमें पता है, क्लीनिंग का मतलब है उसको धो उसका उसको साफ, वॉश का मतलब धोना, क्लीनिंग का मतलब साफ रखना। और अगर हम बात करें उसके अलावा जैसे इसके अंदर हाइड्रो कूलिंग, वैक्यूम कूलिंग, पैकेजिंग, आइस की बात करें तो एक टेबल की फॉर्म में देखा है या थोड़ा सा इसको देख सकते हो और आप लोगों कि कौन से फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए किस तरह के जो कूलिंग सिस्टम है उनको लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें रूम कूलिंग है वो हर फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए है, इसके अंदर इन्होंने यूज़ की हुई है। आपने देखा भी होगा कई बार आप लोग सब्जी की दुकान वगैरह पर जब जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को तो वॉशिंग क्लीनिंग ट्रिमिंग है, जैसे इसके अंदर हम लोग फ्यूमिगेशन है, फ्यूमिसाइड्स होते हैं जो फंगस या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को डिले करते हैं, इस तरह के माइक उसको फ्यूमिसाइड्स को यूज़ किया जाता है इसके अंदर। उसके अलावा ट्रिमिंग है, ट्रिमिंग का मतलब है कि अनवांटेड पोर्शन है। अनवांटेड पोर्शन का मतलब है कि वो पोर्शन जिसकी ज़रूरत नहीं है और उसकी कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगी तो उस पोर्शन को हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो पोर्शन क्या होता है काफ़ी बार हमारे माइक्रोबियल इन्फेक्शन या वाटर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, जैसे किसी के ऊपर गंदी है या बीमार भी है तो उस तरह की जो चीज़ें हैं।